हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं. हम जा रहे हैं अभी उत्तरेक एंडोन से. उत्तरेक लाइक 100 किलोमीटर की दूरी है. और एक्चुअली हम गुल्लू की एक फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी फ्रेंड है आद्या, उसके घर जा रहे हैं. चलिए देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, क्या मस्ती होती है. आपको भी दिखाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. गुल्लू फुल गुल्लू मजा आ रहा है. कहाँ जा रही हो? आद्या. आज मौसम बहुत अच्छा है. हाँ, मौसम सही है और ट्रैफिक वफिक का भी कुछ बहुत ज्यादा दिखा नहीं रहा. टाइम पे क्या बुलाए तो ब्रेकफास्ट पे थे, पहुंच रहे लंच पे. थोड़ा टाइम लगता है ना यार, लाइक थोड़ा छोटे बच्चे रहते हैं तो वैसे भी कितना भी है करते करते टाइम हो ही जाता है. हालांकि मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि हम थोड़ा लेट हो जाएंगे, बट फिर भी हम इंडियन टाइम से जा रहे हैं. तेरी चुगली करूंगा. क्या चुगली करोगे तुम? मैं तुम्हारे पियोन से तरू चुगली करूंगा. नहीं प्लीज मत करो चुगली, प्लीज. मैं चश्मा रख रही हूँ. अरे तुम एकदम हीरो लग रहे हो. थैंक यू गाइस, दो लाइक चश्मे के लिए. थोड़ा टाइम और. बोर बोर क्यों हो रही हो तुम? गुड्डू सो रही है. ओके, आ गया एसएपी. अनुराग कुछ बताएंगे? एसएपी, यस. यही से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई थी? एसएपी इंडिया, यस. एसएपी लास्ट इयर बैंगलोर में. काफी जब मैं पार होता हूँ तो काफी इमोशनल रहता हूँ. अभी जब ऑफिस आता था यहाँ पे उत्तरेक, तो एक बार यहाँ पे मैं बच्चा जरूर देखते थे. यादें हैं काफी यार ऐसे भी से. और क्या यार, मतलब लाइक हमारी शादी यही होती थी सोच करके कि मतलब लाइक लड़का ऐसे भी मैं पापा पहुँच गए. तो डिवाइड करता है ये रिवर जो है ना, ये डिवाइड करती है नॉर्थ और साउथ को. नॉर्थ नीदरलैंड और साउथ नीदरलैंड. साउथ नीदरलैंड जो नॉर्थ वाले हैं वो तो ये बोलते हैं ना हॉलैंड. वो एक्चुअल जो हॉलैंड वर्ड आया है वो उनकी तरफ से आया है. और इधर बाकी जो हमारे साउथ साइड में, ये लोग इसको लाइक नीदरलैंड्स के ही उससे बोलते हैं. या इट्स बीन मिल. आ गए हम लोग. अंकल आंटी का घर अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है क्या? हाँ बहुत अच्छा. हाँ बहुत अच्छा लग रहा है. हेलो लिटिल. कैसे कर रही थी ये? कैसे कर रही थी ये? अमालिया कहाँ है? अमालिया सोने चली. यहाँ एक और आ गई है, ये भी हमको हिंदी में नहीं रिप्लाई करेंगी, ये इंग्लिश में ही रिप्लाई करेंगी. हैं ये दोनों का यहाँ का ऐसे ही है, बच्चों से बात करो हिंदी में और ये इंग्लिश में ही रिप्लाई करेंगे. हमेशा यही करती हो तुम है. गुट्टू पिलो के साथ कुशन के साथ लग गई. हाँ?
गुट्टू गिर जाओगे तुम क्या मतलब अमूल्य बना रहे क्या अमूल्य आपने बनाया नहीं नहीं मैंने नहीं बनाया ये तो द शेफ द फेमस शेफ कब आ रहे हैं शेफ से मिलने हैं जल्दी से सब्र का फल मीठा होता है मेरी आंखें भर गई हैं ऐसी हट जाओ वहां से हट के दूर हट के बैठ जाओ मसाले कम कर दिए थोड़े मसाला सारा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है पूरा चार बोल दिया गुट्टू 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 पूरा एकदम बिल्कुल फ्री उनको मिल गया है पूरा अच्छा खासा बैठ करके गुट्टू गुट्टू और हमारे शेफ आ गए हेलो वेलकम हां वेलकम इन न्यूत्र को बेबी हो बेबी तो एकदम हाईली एक्साइटेड है सफर बहुत अच्छा था मजा आया इनको सोते हुए आई है थोड़ा और समय तक आप सोने वाले हो उसे अभी ये घर बहुत अच्छा लग रहा है पहले तो सबसे बड़ी चीज ये है कि उसे नीचे छोड़ दिया था पूरा खेल रही है गुल्लू देखो क्या है यहाँ क्या है ये देखो कितना जबरदस्त लग रहा यम्मी लकड़ी की काठी काठी पे हिप्पो लकड़ी का तो नहीं है लकड़ी का नहीं तो मम्मी रबर का हिप्पो रबर का हिप्पो यस हिप्पो पे गुट्टू हिप्पो पे यार बताएंगे अभी पूरा बताओ फिर आगे बोलेंगे दौड़ा 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 हिप्पो दम लगा के दौड़ा गुल्लू खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ तुम्हारा गुल्लू में सुवेरा हो गया कब से आदिया खा के खत्म कर दी हैं ना देर तक खा रही क्या गुल्लू खा रही ही बोल रही बैठी हुई है मैं बुलाना पड़ेगा बिन मैं इधर चुक चुक स्वीट इसको मैं तो स्वीट क्या कम इन सुबह मारा तो मैं साइड को ले रहा हूं सुबह को ले रहा हूं तो आप कह रहे थे कि वीडियो में हमें कैप्चर करेंगे नहीं नहीं ऐसा तो हम नहीं कह रहे थे कैप्चर आप हो रहे आप कैप्चर ऑलरेडी हो रहे हैं मैं नहीं दिख रहा हूँ ये इधर सही है खाना अच्छा लग रहा है गाइस हल्दीराम की थाली खा रहा हूँ यहाँ पे सीरियसली बहुत यम फूड है और ऑल क्रेडिट गोज टू शिवांगी शिवांगी द महेश्वरिया यस द शेफ और इनका अपना एक केटरिंग बिजनेस है यहाँ पे और जो भी इंडिया से नीदरलैंड आ रहा है और वो स्पेशली अगर उत्तराखंड में रहने आ रहा है तो फिर उसके वो एक बार को इनका है ना Yes, चलो yes. तो वो आप एक बार को ट्राई कर सकते हो ठीक है बोला एक बार नहीं बार बार ट्राई कीजिए और वो बाकी डिटेल शिवांगी देंगे करेगा तो बार बार तो करने लगेगा यस तो आपको आपके लिए एक और पराठा एक्स्ट्रा मैंने बनाया इतनी अच्छी बात की यस हाँ? आप खाने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका फेसबुक का पेज डाल दे रहा हाँ, ये इस बार मेरे तरह ऐसा वाला नहीं होगा जैसे कि हमने भटूरे बनाए थे और कोई डिस्क्रिप्शन नहीं डाला था वो फन के लिए था बट यहाँ एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो हम अपना फेसबुक पेज शेयर डिस्क्रिप्शन में होगा और अभी जो खाना बनाया होपफुली वो अच्छा लगे छोले पीज राइस लच्छा पराठा जुकीनी रायता विद सैलेड
डच सैलेड है ये पूरा डच सैलेड है। अगर इसमें अनियन हो जाता तो और मजा आ जाता, इंडियन हो जाता ना। अच्छा ओके, और ये अचार भी है भाई। लेकिन पूरा देखो क्या सेटअप देख रहे हो, पूरा एकदम बिल्कुल अपना इंडिया वाला फीलिंग दे रहा है कि थाली में मजा आ रहा है, मतलब देख करके। अब हम खाने जा रहे हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। गुल्लू अपने आवाज के साथ बताएंगी कि गुट्टू बताएंगी कि कैसा लग रहा है। गुट्टू को सबसे ज्यादा, और ये दोनों भी एकदम बिल्कुल हिंदी नौटंकी जा रही है। बिछड़े यार मिले एकदम बिल्कुल। देखो और द सबसे सीरियस यहाँ पे जो मेन है हमारी अमालिया, से हाय बाबू, से हाय। वो पूरा बिजी जा रही है उनको। चमक करो अभी, चलो बच्चा मेरा। चलो फिर मिलते हैं। तो पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, उसके लिए आपको हमारा 14th व्लॉग देखना पड़ेगा जो कि इधर उधर कहीं होगा। तो जो कि मस्ती, जो एक्चुअल मस्ती है ना, वो वहीं पे हुई थी, तो उसको तो जरूर देखना। और अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।